भी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करे घंटी दबाना ना भूले। जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से क्या बात है, काफी गूंगे लोग बैठे हैं इधर। जमाने भर की बड़ी घर की शान बेटी से महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस शहर इंटरनेशनल जनाबे दिलबर शाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह 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 वाह। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेटों पे फख्र करने वालों, डिमांड करने वालों, फकीरों, भिखारियों, क्या बात है, छीन लेते हो ख्वाब आंखों से, कोई ताबीर ख्वाब क्या दोगे? अपनी औलाद बेचने वाले, अपनी औलाद बेचने वाले, तुम खुदा को जवाब क्या दोगे? क्या बात है, सही है। मैं चार मिसरे इसलिए फिर से ये पढ़ रहा हूँ कि इस दौर में समाज में गैर की बात छोड़ दो, मगर अपने समाज में, मैं अभी एक गांव गया था, छपरा में एक गांव का नाम मेरे जहन में नहीं है, पूरी बस्ती खान की बस्ती थी। हाँ, वहाँ की खूबी मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, वहाँ गांव ही में रिश्ता होता है, बाहर से नहीं। अगर खान साहब दूसरे जगह सोचे भी, बोलेगा तुम खान नहीं है भाई, तो आपस में रिश्ता करना चाहिए। यहाँ तो कोई दिल्ली कर रहा, कोई कलकत्ता कर रहा, कोई मद्रास कर रहा, कोई चेन्नई कर रहा, फकीरों की कमी नहीं है, मोटरसाइकिल जो लेके घूमता हो और खूब हरहराता हो, समझ जाना बेटा दहेज का है। अल्लाह इस समाज से उस बुराई को निकाल दे। आमीन 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 आमीन। बेटो, बेटा होना अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटियां रहमत है। कौन कहता है कि बेटियां जिनकी होती हैं उनके कंधे झुक जाते हैं, उनके सर झुक जाते हैं? देख दिल पर शाही। मेरी पांच बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मूड बन गया तो पांच बेटियों के नाम भी आज मैं बता के जाऊंगा। वाह ए है, वाह 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 वाह। ऐसे नहीं बताऊंगा, मैं शेर पढूंगा उसी में नाम आएगा। ए है, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं वो चार मिसरे पढ़ता हूँ, बेटों पे फख्र करने वालों, तुम्हें पता भी है कि कल जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें बारी खिलाएगा, बारी खिलाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि अब्बा बारी खाओ, आठ दिन, अगर तीन भाई है तो 10 दिन, उसमें 29 का भी महीना होता है, 30 का भी, 31 का, 3 दिन कहाँ जाएगा? ये अच्छा है, उसी में झगड़ा। हम एक दिन ज्यादा खिलाए, अरे शर्म कर। मैंने मेरे माँ बाप को कहा कि दुनिया चाहे जिधर से इधर हो जाए, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खिलाऊंगा, मैं रखूंगा, मैं भीख मांग के खिलाऊंगा, मगर खिलाऊंगा। वाह 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 वाह। आज यही वजह है कि दिल पर शाही चमकता धमकता दिख रहा है, वरना स्टेज की दुनिया में 8 से 10 साल होते होते वो आदमी बूढ़ा हो जाता है या पुराना हो जाता है। लेकिन मैं उस वक्त से इस इलाके में आ रहा हूँ जब बच्चे बहुत छोटे थे, आज वही लोग जलसा करा रहे हैं।
और देखते हैं कहते हैं कि जब से देख रहा हूँ ऐसे ही देख रहा हूँ आपको। ये मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ में हैं। मैं चार मिसरे फिर से पढ़ता हूँ। जमाने भर की बढ़ी घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। जिंदाबाद जिंदाबाद मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घर के आंगन में वो परियों की तरह दुआ कर दे बेटे, दुआ कर दे। वाह वाह, मेरा पांच बेटा है मगर कोई बेटी नहीं है। मत लीजिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, मैं दुआ करूंगा आप आमीन कह देना। इंशाल्लाह भाई पांच बेटा है, मुबारक हो। ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ जो आदमी बेटी के लिए दुआ कराने आता हो वाह वो बेटा के लिए जहेज ले ही नहीं सकता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, मेरा भाई भाई, क्या मैं सच कह रहा हूँ या झूठ? जिंदाबाद। तो एक बार आप खड़े हो जाओ, लोग देख ले इलाके वाले। एक खड़े हुए देखने कितने होते हैं। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम। ये एक है जो जहेज ले ले, कितने लोग खड़े होते देखना चाहते हैं। वो सब मत दिखाइए, जो दिल से खड़ा होगा ना वही काम करता है, वरना अभी बोल देंगे नमाज पढ़ोगे सब हाथ उठा देगा, सब हाथ उठा देगा। दिखाने की जरूरत नहीं, मेरा भाई दिल से कह रहा है, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। गाँव का क्या नाम है जी? हर डंगाल, हर डंगाल के लोगों, मैं कसम खा के कह सकता हूँ तुम्हारा जलसा 110 नहीं 111% कामयाब है। तुम्हारे ड्यूटी में पैसे लगाए, तेरा पैसा बर्बाद नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, एक भाई दिल से तोबा कर ले, अगर हर जलसे में बस एक ही आदमी तोबा कर ले, समाज से बुराइयां खत्म हो जाएगी। मैं वो चार मिसरे और पढ़ता हूँ, पढ़ूं? सुनेंगे सुनेंगे, कह दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है हर मंजर मगर अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों तुम्हारे बिन ये घर अच्छा नहीं लगेगा। जमाना भर के सारे नेमत मौजूद हो फिर भी अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगेगा। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगेगा। अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगेगा। ये मेरा भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ हो जी, वाह वाह। ये मेरा भाई जिसने कहा कि मुझे एक बेटी हो जाए, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ये बेटी की तमन्ना रखते हैं, सरकार गौसुल आजम के सदके में इन्हें एक बेटी अता फरमा। आमीन 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 आमीन। बहुत कम ऐसा होता है कि बेटियों की तमन्ना करते हैं लोग। अल्लाह सलामत रखे। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ मेरी अटैची अगर आप देखोगे मेरी बेटियों की पसंद का एक चीज है और मैं उसकी पसंद का हमेशा ख्याल रखता हूँ। मेरी सबसे छोटी वाली बेटी, उसको लड्डू बहुत पसंद है। अगर मैं लड्डू लेके नहीं गया तो ऐसा वो करती है लगता है कि मैं अपना नहीं सौतेला हूँ। ले तुम अच्छा बाबू नहीं है, हाँ ले तुम अच्छा बाबू नहीं है, दाव फिर लेते हैं।
उसे लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए मैं हमेशा घर जाने से पहले मैं जरूर रख लेता हूँ। आप भी कभी घर जाओ तो बेटियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके जाओ। ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकार का फरमान है। जब भी कभी जाओ तो कुछ करो या ना करो, बेटियों के लिए जरूर कुछ ना कुछ ले जाओ। बेटे आपके पास हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास भी दो बेटे हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का हुसैन है। लेकिन पहले अपने पास बेटियों को बुलाओ। बेटे हैं ठीक है, लेकिन पहले अपने पास बेटियों को बुलाओ। ऐसा करेंगे आप? अरे ऐसा करेंगे आप? इंशाल्लाह ताला। मैं चार मिसरे और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। निकल आए जो सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। वाह वाह वाह, अरे क्या बात है दिलवर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है।